गुरुद्वारा दीवान स्थान पर कब्जा करने के मामले को लेकर गुरुद्वारा साहब की मौजूदा प्रबंधक कमेटी तथा परमजीत सिंह भाटिया के विरुद्ध मामला गर्मा गया है। पुलिस ने इस मामले को हल करने के लिए दोनों पक्षों को बुलाया था। इससे पहले एक पक्ष के लोगों ने गुरुद्वारा साहब के एक सेवादार की पिटाई कर दी। पुलिस कमिश्नर प्रवीण सिन्हा ने इस मामले की जांच एसपी को सौंपी है। उन्होंने दोनों पक्षों के नेताओं को अपने पास बुलाया था, परंतु खबर लिखे जाने तक कोई हल नहीं निकला था। राजेंद्र सिंह भाटिया जनरल सेक्रेटर गुरुद्वारा दुआबा श्री गुरु सिंह सभा और सेंट्रल टाउन दीवान स्थान जलंधर। असी बहुत पुराने समय तो 65 तो लैके साढ़े बुजुर्ग उस तो बाद असी इतने सेवा करते रहे हैं। 2007 के विच कुछ लोगों ने गुंडागर्दी के नाल ताले तोड़े और उत्थे शरारतां कीतियां और इन्होंने उत्थे कब्जा करने की कोशिश की, जिस लई असी भाई पग्गां नाल लत्थां एक दूसरे दियां कौम दियां असां कोर्ट के पहले पुलिस से कंप्लेंट कीतियां। साढ़े कोल उहदियां रजिस्टर्ड कापियां पईआं जो कि एस पी साहब ने असी दिखाइया ने और उस तो बाद कोर्ट जथेदार रणजीत सिंह जी साढ़े जो सरकारयोग प्रधान हैं, परमजीत सिंह भाटिया जो कन्वीनर जो चेयरमैन हैं बाडी दे, सरदार तेजिंदर सिंह जी बैठे हैं सीनियर मीत प्रधान, डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर मरवाहा जी सीनियर मीत प्रधान, इन्हों के नाल नाल होर बहुत सारे साढ़े जो बाडी बनी सी उसके मैंबर ने रल के फैसला किया कि कोर्ट जाया जाए। कोर्ट गए असी सारिया उत्थे अपनी जिन्हिया भी डिफिकल्टीज सन वो नोट करा के वकील करके केस किया। केस के अखीर तक असी जिन्हें भी फैसले हुए ने साढ़े हक में होए ने। जथेदार रजीत सिंह उन्होंने बाद रिसीवर भी नियुक्त किया गया, जो पता लगा कि पैसे की हेराफेरी बड़ी हो रही है। रिसीवर नियुक्त होने बाद उन्होंने बहुत ही रिसीवर साहब जिस नियुक्त हुए दो मिनट उन्होंने मीटिंगा बुलाईया साढ़े वालों जथेदार जिदे सन इन्हों मैंबर लिया गया, एक होर मैंबर लिया गया। उस तो बाद ना रिसीवर साहब ने मीटिंग बुलाई तो ना ही उस तो बाद इन्होंने कोई हिसाब किताब दिता। जोड़े लोग उत्थे काबज़ हुए सन और दुकाना बना के जो एक जनरल होस्पिटल से गुरु नानक देव जी महाराज के नाते चैरिटेबल होस्पिटल चलता सी, उस होस्पिटल नूं तोड़ के दुकाना बना के उन्होंने किराए पर भी चाड़िया, उसदियां पगड़ियां लईयां, एग्रीमेंट भी किए जो कि इन्हों किसी कोई हक नहीं सी, ना मोहन सिंह टिंडसे ना बिट्टू नूं। रिसीवर उत्थे बैठे सन लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है। अज जिसलै पता लगा कि 9 लाख के करीब 8-9 लाख के करीब गौरमेंट का जो बिजली बोर्ड का है पैसा इन्हें देना है और उन्होंने और कनैक्शन कट दिता है, तो सारे इकट्ठे होकर असी उत्थे जाके सेवा संभाली। कल सेवा संभाली तो उस वेले एक ग्रुप भी आ गए जिहड़े पुराने उत्थे अपने आप को कहते हैं, लेकिन किसी भी कागजात विच अज तक इन्हों का ना नहीं। साड़ी रजिस्टर्ड बाडी है जिसे अज ही जथेदार रणजीत सिंह प्रधान हैं, अपना श्री परमजीत सिंह भाटिया चेयरमैन हैं, दास उत्थे जनरल सेक्रेटर वजों सेवा कर रहे हैं। रात को असी उत्थे जाके अपना संभालिया भाई साहब नाल जो भी उत्थे आदि चाबियां मार गया दफ्तर खोलिया, दफ्तर दे विच हुण साडा ही लॉक है उत्थे दफ्तर दे विच और उत्थे जिहड़ा समान पिया किसी का भी नहीं उत्थे, कोई जो कुछ है असल गुरुद्वारा कमेटी का। और असी रात को पुलिस कई इन्होंने उत्थे फैसला किया कल 12 बजे मिलन का, अज आ गए मीटर कटिया होया इस वेले भी कटिया होया। लेकिन एक बड़ी वड्डी चीज़ है कि 2007 तो जिस वेले कहते कि असी जी उत्थे काबज़ सां साढ़े कोल अज भी रिकॉर्ड पे है और एफडियां भी है स्कूल दियां भी गुरुद्वारे का सारा रिकॉर्ड साढ़े कोल है। राजीत सिंह करार खां प्रेजिडेंट गुरुद्वारा सिंह सभा अते सेंट्रल टाउन दीवान स्थान। मैं हैरान हाँ इस गल तो कि 28/2/11 नूं उत्थे रिसीवर बैठ गया, रिसीवर ने आके अपना हिसाब किताब संभालिया, 2-3 गोलकां गिनिया जिहदे च मेरे भी साइन है, वो पैसा बैंक जमा कराता गया किन्ना पैसा 60,000 कि 70,000 इन्ना सीगा। उस तो बाद इन्होंने की लुट मचाई कि जदों दुख सुख के प्रोग्राम आउंदे सी उहदे उपर एक कपड़ा पा दिंदे सी गोलक दे जदों कपड़ा पाउंदे सी तां उह फिर जिवें जिवें फंक्शन होना उन्हां ने चुक के ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇੰਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਤਾ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਚਾਈ, ਢੀਂਡਸੇ ਨੇ ਮਚਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ
वह असी वापस लैके रहना है। जे सानू ना मिलिया तो सानू कोई भी कदम पर अमन चुकना पे तो चक। जो गुरुद्वारा साहब के उत्ते कल कोई सो कॉल्ड कमेटी ने परमजीत सिंह भाटिया उन्होंने साथियों ने और नाल कुछ उन्होंने अणपछाते व्यक्ति भी सन उन्होंने गुरु घर से आके कब्जा करने की कोशिश की। गुरुद्वारा साहब के दफ्तर के ताले दरवाजा भन के अंदर बढ़न बड़े उहदे विचों साडा कई समान गायब होया। उहदी लिस्ट ते डिटेल बना के असीं डीसीपी साहब नूं कंप्लेन देण लगे हाँ। उहदी जो भी कार्रवाई कानूनी असीं उहदी मंग करदे हाँ। प्लस जिहड़े साडे कोर्ट दे साडी फेवर दे विच आर्डर सी वो असीं डीसीपी इनवैसटीगेशन एसडीएम वन तहसीलदार साहब नायब तहसीलदार साहब जिन्हें भी जो प्रशासनिक अधिकारी साडे कोल आए सी असीं उहनां नूं सैटिस्फाइड कराया साडे वकील साहब ने और उन्होंने मन्निया कि यही कमेटी प्रधान सरदार मोहन सिंह जी ढींडसा दे रहनुमाई दे विच गुरु साहब की मेहर सदका इत्थे कायम है। इस करके उन्होंने जो भी पुरानी कमेटी वालों किया गया सी बवाल खड़ा किया गया सी गुरु घर की मान मर्यादा को भंग करने उस पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने असी बनती कार्रवाई करते कोर्ट वालों साडी फेवर के जिन्हें अज तक के इन्होंने पेंडिंग केस से उस जोड़ा केस इन्हों का बिल्कुल डिसमिस ही कर दिता से उस केस का कोई मतलब नहीं। इन्होंने उसकी अगे अपील पाई वह अपील भी अपील के ना कोई स्टे होया अगे डेट तो डेट पी जा रही है क्योंकि इन्हों को सच्चाई नहीं है। इस करके उसकी कोर्ट में डेट पै रही है। माणयोग अदालतां भी सारा कुछ समझदी हैं प्रशासनिक अधिकारी भी सारा कुछ समझदे हैं पर यह शरारती अंसर हैं किसी ना किसी वेले जाके गुरु घर की माण मर्यादा ठेस पहुँचाते हैं। साडे गुरु घर के सेवादारा भी इन्होंने धक्का मुक्की की गोलियां मारन जानों मारन धमकियां दित्तियां जो ऑन मैरिट ऑन रिकॉर्ड हैं और साडा एक सेवादार हुण भी सिविल हस्पताल के एडमिट पिया जिन्हों इन्हें 60-65 साल के सेवादार इस बंदे ने थप्पड़ मारिया जिन्हों एक कन्न चो सुनना एक अख चो दिखना बंद हो गया वो भी सिविल हस्पताल के पिया तुम आप जाके देख सकते। रिसीवर का प्रबंध 2011 तो चलिया पर कोर्ट ने माणयोग अदालत ने उसनों खत्म कर दिता होया रिसीवर का कोई प्रबंध नहीं और रिसीवर के उत्ते इन्होंने उल्टा केस किया होया वो ये जानन या रिसीवर साहब जानन साडी प्रबंधक कमेटी का उहदे विच कोई लैण देण नहीं है। असीं फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों के नाल हाँ उन्होंने थैंक्स अदा करते हैं जिन्होंने साडी गल सुनी और माणयोग कोर्ट के आर्डर मन्निया ते इत्थे सारा सिस्टम बहाल। रिसीवर का कब्जा है उन्होंने हाजिर नहीं सर रिसीवर का कब्जा तो माणयोग अदालत ने खत्म कर दिया। ਕਿ ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਅ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਪੈਂਡਿੰਗ।